आई गॉट अ क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली था कि एग्जैक्ट एक्चुअल पॉइंट क्या था जब डीएनए वाज डिसाइडेड टू बी जस अ जेनेटिक मटेरियल. तो ऐसे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, बट यस देर आर सम रीजंस कि आज जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, आरएनए नहीं है, बिकॉज डीएनए इज़ मोर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल. हाउ इज़ इट स्टेबल? जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो हमारे पांच किंगडम्स हैं उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई, वी हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी में जुड़े होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ मोर स्ट्रक्चरली स्टेबल. वेर एज केमिकली जब बात करते हैं तो दो रीजन्स हैं. वन इज़ प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल. थाइमिन प्रेजेंट है डीएनए में, यूरासिल आरएनए में. तो थाइमिन इज़ मोर स्टेबल कम्पेयर टू यूरासिल. यूरासिल जल्दी म्यूटेट हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है केमिकल स्ट्रक्चर. एंड द सेकेंड वन इज़ प्रेजेंस ऑफ ओ एच ग्रुप ऑन टू प्राइम एंड, और कह सकते हो सेकेंड कार्बन ऑफ शुगर इन आर एन ए, विच मेक्स इट अ लिटल मोर अगेन रिएक्टिव. सो इसलिए उसको भी डिग्रेड कर देते हैं, तो स्ट्रक्चर जल्दी ख़राब हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, ठीक है. डीएनए ऐसा नहीं कर रहा है. डीएनए में ये टू प्राइम ओएच नहीं है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोर स्टेबल. थायमीन है इसलिए इट इज़ मोर स्टेबल, केमिकली स्टेबल, केमिकल स्ट्रक्चर उसका स्टेबल है. स्ट्रक्चर की बात करते हो तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ जाता है. डबल स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ ऑब्वियसली मोर स्टेबल दैन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए आपके पास ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स, इवॉल्व्ड लाइफ फॉर्म्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. आरएनए आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है वायरसेस में, एंड देयर इट म्यूटेट्स रियली क्विकली. कोरोना के बाद ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि हाउ डेडली दीज वायरसेस आर एंड हाउ क्विकली दे म्यूटेट. तो वो स्ट्रक्चर, उसका जो जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर है, वो इतनी जल्दी म्यूटेट होता है कि आप उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स नहीं बना सकते इतना ईजिली, राइट. इसलिए जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले वायरसेस हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट विद और टू क्रिएट वैक्सीन्स फॉर. जैसे एड्स वायरस, इबोला वायरस, जीका वायरस, कोरोना, ठीक है. सो ये है रीज़न. द अदर रीज़न इज़ इतनी जल्दी म्यूटेट होने के चक्कर में बड़े लाइफ फॉर्म्स, जैसे मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में इतना अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल सर्वाइव नहीं कर सकता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम हेड टू टो मेड अप ऑफ सेल्स. हर सेल में जेनेटिक मटेरियल है, एंड अगर वो इतनी जल्दी जल्दी अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ म्यूटेशन इज़ रैंडम है ना, तो अगर रैंडम म्यूटेशन होता रहेगा तो वो स्ट्रक्चर ही स्टेबल नहीं क्रिएट कर पाएगा, राइट. सो दिस इज़ समथिंग व्हाई वी हैव डीएनए एज आर जेनेटिक मटेरियल, फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. थोड़ा बहुत म्यूटेशन होता है, वो चाहिए, वो एवोल्यूशन के लिए चाहिए. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे भी होता है थोड़ा बहुत, बट उसको रिपेयर करने के भी हमारे पास तरीके की, गलती ना हो जाए, बट फिर भी वी गिव अ चांस ऑफ यू नो एरर, एंड दैट चांस ऑफ एरर क्रिएट्स म्यूटेशंस, एंड दैन म्यूटेशन हेल्प अस इवॉल्व. बट इतना ज़्यादा नहीं है कि सारी ज़िंदगी ही सिर्फ एक म्यूटेशन है. So that's not there. So I hope this clears your point a little. और कोई doubts हैं तो वो भी mention कर देना, और कोई confusion चल रहा है दिमाग में तो वो भी mention कर देना in the comment section. And all the best for your preparation. Success.